दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा आसन है जो कि करने में बहुत आसान है, परंतु ये बहुत ही अंडरएस्टिमेटेड है। तो हम जानते हैं कि इस आसन का नाम क्या है और इसके कितने फायदे हैं। तो दोस्तों, उस आसन का नाम है वज्रासन। वज्रासन जो कि आप एक अकेला ऐसा आसन है जो कि खाना खाने के बाद आप तुरंत बाद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उसके पहला से जो सबसे प्रचलित और सबसे जाना हुआ गुण है वो बताता हूँ। उसका नाम है पाचन क्रिया की पाचन शक्ति को बढ़ाना और पाचन क्रिया को तेज करना। तो वो क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूं। बिना जाने हुए आप कोई भी चीज को विश्वास नहीं करते हैं हम लोग, तो हमें एक तर्कसंगत बात रखनी होगी। तो ये जानिए कि हमारा पाचन क्रिया क्यों बढ़ता है, पाचन शक्ति क्यों तीव्र होती है। तो जब हम उस आसन में बैठते हैं तो हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मली नीचे की तरफ ज्यादा होता है, खास करके पैरों की पिंडलियां में। जब हम उस आसन में बैठते हैं तो वहां से ब्लड सर्कुलेशन हमारे ऊर्ध्वगामी बनता है, ऊपर की तरफ जाता है, और पाचन के सारे अंग जैसे हमारे अमाशय, लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये जो खास करके हमारे जो ये अंग हैं, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं इनसे, और वो हम सभी अंग जो है हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले जानना होगा कि अमाशय जो है जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। जब एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, उसमें आकुंचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, थोड़ा उसमें तेजी आ जाती है। अब उसको एक्स्ट्रा ताकत की आवश्यकता है, तो वो ताकत कहाँ से मिलता है, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन हम पैरों से लेकर ऊपर की तरफ लेके आते हैं, वहां से ऑक्सीजन पूरित ब्लड उस आमाशय को पहुंच करके उसको ज्यादा एक्टिवेट करता है, इसलिए हमारा वहीं से पाचन क्रिया तेज हो जाती है। फिर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, और साथ साथ में हमारा लीवर भी एक्टिवेट होता है, जिससे वहां के जितने हमारे रस है उस सब वहां पहुंचने लगते, इसलिए हमारी पाचन क्रिया बहुत तेज हो जाती है। देखिए, बहुत लोग बोलता है कि खाना खाने के बाद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वॉक करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करें, ये योग में मना है। योग में क्या है कि खाना खाने के बाद आप वज्रासन बैठे। देखिए, कारण क्या है कि जब आप खाना खाने के बाद आपको पाचन क्रिया में पूरी शक्ति लग जाती है, शरीर की सारी शक्ति पाचन क्रिया में लग जाती है। अब पाचन क्रिया में शक्ति लगाने के जगह पर आप यदि मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए चले जाते हैं तो आपकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वॉकिंग में चली जाएगी और आपका पाचन क्रिया नेग्लेक्टेड रह जाएगा। इसलिए जिनको पाचन क्रिया में तेजी करना है उन्हें वज्रासन में बैठे, न कि आप वॉकिंग करें। इवन 5 मिनट यदि वज्रासन में बैठते हैं तो जो आपको 1 किलोमीटर वॉकिंग का जो फल है वो मिलने वाला है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभावशाली ये आसन है। उसके साथ साथ में इसका दूसरा सबसे बड़ा लाभ है, मधुमेह में, डायबिटीज में बहुत फायदा होता है। हमारा डायबिटीज क्यों होता है, इसलिए होता है कि शर्करा बढ़ जाती है, शर्करा का पाचन अच्छे से नहीं होता है, यानी शुगर का पाचन अच्छे से नहीं होता है, इंसुलिन अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता है। तो उसके लिए जब वज्रासन में बैठते हैं तो वो हमारा जो रक्त का प्रवाह आपको पैंक्रियाज में इमीडिएटली पड़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमको वहां से इंसुलिन का भी फॉर्मेशन बढ़ जाता है और हम शुगर का डाइजेशन, इंसुलिन का डाइजेशन अच्छे से होने लगता है। इसलिए डायबिटीज वालों को कहा गया है कि प्रतिदिन इसको आधे घंटे, 20 मिनट से आधे घंटे खाना खाने के बाद जरूर बैठिए इस आसन में, अभूतपूर्व लाभ होगा। दूसरे साथ साथ में मोटापा में कमी करती है, क्योंकि मोटापा क्या है, अनडाइजेस्टेड आइटम या फैट को पचाने की शक्ति हमें नहीं है, तो हमारे मोटापा बढ़ जाता है, इसलिए मोटापा में भी लाभ होता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो जिस तरह से आप उसमें बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी आपको सीधी हो जाती है, तो रीढ़ संबंधित सारी बीमारियां दूर होंगी। स्लिप डिस्क में और साइटिका में भी, स्लिप डिस्क में खास करके बहुत आपको बचाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी बचाता है, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं हमारे जो बड़ी आंत है भी इसमें एक्टिवेट होता है, तो कब्जियत जो होने लगता है इनडाइजेशन के बाद, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लोगों का, वो है कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन। ये कॉन्स्टिपेशन भी हमें दूर करता है, क्योंकि कोलन यानी बड़ी आंत का एक्टिवेशन हो जाता है, वहां भी काफी अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है ब्लड के साथ में, जिसके कारण वो भी एक्टिव हो जाता है और आपको काफी लाभ पहुंचता है। अब हम उसके साथ साथ में आप देखिए, हमारे अभी तक तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात, अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में गुर्दे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब भी रक्त क्लोज होता है तो उससे सबसे नीचे रक्त का जब ऊपर संचार पैरों से शुरू होता है, पिंडलियों से शुरू होता है, तो सबसे पहले आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम ही आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है, यानी निष्कासन तंत्र में क्या है, तो गुर्दे आते हैं, गुर्दे आप मूत्राशय आएंगे, आपको मूत्र की नलियां आएंगी, प्रोस्टेट आएगा, ये सारे, और महिलाओं के प्रजनन अंग क्या क्या है, खास करके उनके जो आपको ओवरीज है या गर्भाशय, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे अंग में ऑक्सीजन का प्रवाह खास करके किसके साथ, तो शुद्ध ब्लड के साथ में ज्यादा होता है, जिससे ये हमारे ये रीजन ही, ये पेल्विक रीजन वाले सारे अंग दुरुस्त होते हैं और स्ट्रांग बनते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने सारी बीमारियां हैं सब इससे दूर होती है। इवन यहां तक बोला गया है कि आपको मर्दों के लिए जो अन्य क्या क्या है, खास करके जिसे प्रोस्टेट हुआ, उसके अलावा आपको टेस्टिस है, टेस्टिस का भी एक्टिवेशन होता है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसके कारण बहुत सारे
सारे लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित हैं, तो उसका इरेक्टाइल का फंक्शन बहुत अच्छे से होता है, साथ साथ में आपको नपुंसकता भी दूर होती है, तो ये सारे लाभ उससे मिलते हैं। खासकर उसके बाद आपको हाइड्रोसिल में भी फायदा मिलता है, क्योंकि उस रीजन में भी हमारा वायु की मात्रा, ये जल की मात्रा घट करके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसलिए उससे फायदा होना शुरू हो जाता है। आपको वीर्य का निर्माण भी तेजी से होता है, इसलिए यदि बहुत लोगों को इसमें भी फायदा मिलता है जिनको बांझपन का प्रॉब्लम है लेडीज में, और उसमें भी दोनों को फायदा होता है, तो ये आप समझ लीजिए कि कितना इसका फायदा है। अब हम जानेंगे कि एक और बहुत महत्वपूर्ण फायदा है इसका, जिसे हम कहते हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन के नाम से जानते हैं। वेरिकोज वेन आप लोग सब जानते होंगे, जो जिनको है जो सफर करते हैं तो बुरी तरह से परेशान है, इसको जानते ही है। हमारे इसमें पैर की नसें मोटी हो जाती है, ब्लू रंग की हो जाती है, कभी कभी तो इतना ज्यादा होता है कि उसमें से ब्लड भी फट के निकलने की संभावना रहती है। जब यहाँ इस पोजिशन में बैठते हैं, जब आप वज्रासन लगा लेते हैं, तो ये आपको ब्लड का सर्कुलेशन उसमें कम जाता है, और आपके वो धीरे धीरे करके क्योर भी होगा, और यदि नहीं है तो कभी भी होने वाला नहीं है। तो वेरिकोज वेन के भी प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगी। उसको हिंदी में बोलते हैं स्फीत सिरा या वेरिकोज वेन, जो भी बोले। एक चीज और है, देखिए टांगों की पिंडलियां जो है, अब जब हार्ट का ऑपरेशन होता है ना, यहाँ के नस को लेकर के उसको हम लगाते हैं, बाईपास किया जाता है, ड्रिज को लेकर के बाईपास किया जाता है, तो समझिए कि क्यों, इसलिए कि हमारी पेरिफेरल हार्ट का काम करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी इसको आप, इसे जो अशुद्ध रक्त है उसको हार्ट में भेजने में आसान हो, जब यहाँ प्रेशर पड़ता है आपके पिंडलियों पर, तो आपका जो अशुद्ध ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, तो आपको हार्ट में जाता है। हार्ट को फिर कम काम करना पड़ेगा, पंप कम करना पड़ेगा, और इससे आसानी से ज्यादा हार्ट द्वारा पंप किए हुए ब्लड का शुद्धिकरण होने लगता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर में भी काम आता है, हार्ट के रोग में भी काम आता है। ये बिना ज्यादा मेहनत किए एक ऐसा आसन है जो कि बहुत सारे फायदे इससे मिलने वाले हैं। अच्छा, चक्र हमारे कौन कौन से, यदि आप चक्रों को ज्ञान रखते हैं तो आप जान लीजिए कि हमारे चार चक्र इससे अच्छी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। कौन कौन? मूलाधार चक्र, जो कि रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे है, उसके बाद आपका है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद आता है मणिपुर चक्र जो कि हमारे नाभि से रिलेटेड है, और चौथा है अनाहत चक्र, हृदय चक्र। यहाँ तक इसका प्रभाव, चूंकि हृदय तक इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए अनाहत चक्र, चारों चक्र हमारे एक्टिव होते हैं और उसके प्रभावित होते हैं, उसके कारण से रिलेटेड जितने सारे अंग हैं, इवन ग्लैंड्स भी हैं, सभी इससे प्रभावित होते हैं, सभी के रोग इससे दूर होते हैं। और साथ साथ में एक चीज और बताऊं, थकान बहुत अच्छे से दूर होता है। यदि आप लंबी दूरी तय करके आते हैं, लंबा दौड़ करके आते हैं, आप थक गए हैं, आप इस आसन में बैठ जाइए तो थकान दूर होती है। अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे किया जाता है, तो चलिए, करने का भी विधि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से जानना जरूरी है। अब इस तरह से इसको, इस तरह से आपको दिखा देता हूं, इस तरह से दंडासन बैठ के, उसके बाद क्या करेंगे, बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे, ऐसे दाहिने पैर को पीछे लेके इस तरह से जाएंगे, ऐसे इस तरह से ऐसे बैठ के, ठीक है। अब ये है आपको, ये सबसे अच्छा तरीका है, इस तरह से बैठ के ऐसे आप सामने देखिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, पैर के जो पिंडलियां अच्छे से दबी हुई है आपके शरीर के वजन से, और आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, आपका कमर, रीढ़ की हड्डी और गर्दन एक सीधी है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से बैठना है, ये सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप इसको पीछे से दिखाना चाहूंगा कि पीछे कैसे हैं, देखिए बहुत लोग गलत तरीका से करते हैं, पीछे मैं दिखाऊंगा बैक साइड में कि क्यों, क्या गलत इसमें हम करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी दिखा दूंगा। यहाँ करना क्या है कि आप दोनों एड़ियों को हल्का सा फैला लेंगे और पैर के उंगलियों को आपस में मिला लेंगे, अंगूठे एक दूसरे से मिले रहेंगे और एड़ी फैली हुई रहेगी, और उसके बीच में आप अपना हिप रख देते हैं ताकि आप आराम से इसको बैठ सकते हैं। यदि इस तरीका से आप बैठेंगे तो आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ पीछे में मेरा पोजीशन कैसा हो रहा है, तो ये देख, इस तरह से ऐसे आगे हमारे घुटने मिले हुए हैं, और इस तरह से ये हमारे दोनों, ये जो दोनों एरिया है फैली है, इसके बीच में हमारा हिप है, और ये दोनों अंगूठे यहाँ पर पड़े हैं और हाथ सीधे इस तरह से पड़ेंगे। ये सही तरीका, बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे बैठ जाते हैं। इस तरह से आप बैठिएगा तो कभी भी देर तुरंत आप एक मिनट भी नहीं बैठ पाइएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो ये गलत तरीका है, इसमें नहीं बैठे। आप बैठे तो इस तरह से, इस तरह से बैठेंगे तो काफी देर तक आप बैठ सकते हैं और काफी आपको लाभ पहुंचने की संभावना है। तो दोस्तों ये सही तरीका है, इसको मानिएगा। अब साइड में हम एक बार और दिखा देता हूँ इस तरह से ऐसे कैसे, ताकि आप देख सके इस तरह से सामने से देखेंगे, इस तरह से एक पैर को पीछे लेके देखिए यहाँ पर ले आया, दूसरा हम दूसरे पैर को इस तरह से ऐसे लेके आया, ऐसे आराम से बैठ गया इस तरह सीधे, ठीक है। एक जोड़ देता हूँ इसमें आपको कि यदि आपको मोटापा से ज्यादा तंग है, मोटापा घटाना है, तो एक और मुद्रा इसमें लगा ली है, उसे कहते हैं सूर्य मुद्रा। अपने सूर्य मुद्रा बहुत आसान है, मेरे अलग से वीडियो पे आए हुए हैं। इसमें हमारे पांचों उंगलियां हैं, इसमें से जो ये पृथ्वी तत्व है इसको दबा लेना है, अपने किससे, अंगूठे से,
इसे, इसको ऐसे करना है। देखिए आपका न केवल पाचन क्रिया बढ़ जाएगा बल्कि साथ साथ में मोटापे भी घटता है। तो इस तरह से इसको आप बैठा कर लगा सकते हैं। खाना खाने के बाद आप कर लीजिए। बहुत लोगों को क्या है कि दर्द होने लगता है काफी देर तक, और जब पैर आपको ज्यादा देर तक बैठ जाते हैं तो दर्द करता है। तो पैर आप जब खोलते हैं तो एकाएक आपके पैर में सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है, जिससे आपके पैर की नसों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो बहुत लोगों को जो कष्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई हार्म होने वाला नहीं है। इसलिए आप जल्द इस आसन को जो बताया गया विधि से उसको आप अच्छे से करें और इसको अपने जीवन में उतार लें, ताकि आपको सारे रोग दूर हो सके। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसको जरूर कमेंट करेंगे, और कुछ जानना चाहते हैं तो और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे इस चैनल को अजय योग दर्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।